अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पाकिस्तान में पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाते हैं। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ आप ऐसे इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ पर बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है नीचे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ये बिज़नेस अकाउंट के मुतालिक पूछ रहे हैं। इस पर हम वाया ईमेल इनवाइसेस और लिंक ये वाला सेलेक्ट करेंगे और सेकंड में क्लिक करेंगे आई एम नॉट श्योर नन ऑफ द अबव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि अपनी ईमेल एंटर करें। आपको अपनी ईमेल यहाँ पर एंटर करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा पासवर्ड। पासवर्ड में आपके न्यूमेरिक्स मतलब छोटी ए बी सी, बड़ी ए बी सी, 1 2 3, ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। अब सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ओके, यहाँ पर आपको लीगल फर्स्ट नेम में अपना फ़र्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। यहाँ पर मैंने अपना फ़र्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया। बिजनेस डिटेल में आप ऑनलाइन लिखते हैं, ओके, कुछ भी लिखते हैं आप, ऑनलाइन हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में यहाँ पर आपको पाकिस्तान का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप नीचे करते जाएँ। ये देखें, पाकिस्तान का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना नेम नंबर देंगे। ओके, यहाँ पे सिंपली मैंने अपना नंबर दे दिया है और यहाँ पर हमने लाहौर सेलेक्ट कर लिया है। ओके, ये करने के बाद आपको एड्रेस लाइन 1 देनी है, एड्रेस लाइन 2 देनी है। 1 और 2 में आप लाहौर ही कर दें, सेकेंड में भी आप लाहौर कर दें। ओके, और फिर नीचे आप नेबर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब कर दें, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसी का नाम कर दें। ओके, लिख दें। आपने यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। पोस्टल कोड हम लाहौर का लिखेंगे, 54,000। ओके, और सिटी या ये सब लाहौर आ गया, फेडरल या टेरिटरी पंजाब आएगा। ओके, टेरिटरी यहाँ पर एक ट्रिक है। ओके, यहाँ पर आपने कुआला लंपुर देना है। ओके, और ये पोस्टल कोड, पोस्टल कोड की जगह आपने 50,000 लिखना है। ओके, अपना लाहौर का पोस्टल कोड नहीं देना, यहाँ पर लिखना है 50,000। ये हमने 50,000 लिख दिया है। ओके, और यहाँ पर फेडरल या स्टेट टेरिटरी हमने कुआला लंपुर की देनी है। ओके, और हमने जो प्राइमरी करेंसी सेलेक्ट करनी है वो US डॉलर ही करनी है। और यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी ओके क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू ये जो नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एग्री और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये बिजनेस टाइप पूछ रहा है, हम लिख देते हैं इंडिविजुअल कर लेते हैं। ओके, इंडिविजुअल करने के बाद या प्रोडक्ट या वर्क सर्विस, वेबसाइट ऑप्शनल है, ये प्रोडक्ट या सर्विस के कुछ भी कीवर्ड आप कर लें। ऑनलाइन ये नीचे आ गया, आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटा सर्विस प्रोसेसिंग वगैरह सेट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपने यहाँ पे फिल करने हैं। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये मैं किसी और का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें इनपुट कर देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेशनैलिटी आपने मलेशिया ही रहने देनी है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपने नेशनल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर आपने अपना नेशनल आईडी नंबर देना है। नेशनल आईडी कार्ड नंबर देने के बाद आपने ये सेम एज बिजनेस एड्रेस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये सब करने के बाद सिंपली आपने सबमिट में क्लिक कर देना है। ये देखें, सिंपली आपका पेपाल अकाउंट जो है वो बन चुका है। ओके, ये देखें, ये बन चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो 3 लाइन्स ऊपर बनी है इस पर क्लिक करना है और समरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप समरी पे आएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, आपको पेपाल बैलेंस शो हो रहा है, USD और ये सब करेंसी में शो हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस कर लेना है।
ओके, आपने सबसे पहले अपनी ईमेल कंफर्म कर लेनी है। ईमेल का मैसेज आपको उस ईमेल पे आएगा जिस पे आपने अपना पेपाल का एड्रेस बनाया होगा। सिंपली आप उस ईमेल में जाएंगे और वहाँ पर आपको पेपाल की तरफ से एक मैसेज आया होगा, वहाँ पे आपने कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर देना है। ईमेल कंफर्म करने के बाद ये जो आपको थ्री डॉट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपने करना है गो टू मनी पेज पे क्लिक कर देना है। गो टू मनी पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करेंसी शो हो जाएंगी। हमने अपनी जो लेने हैं मनी, वो हमने USD में लेनी है। हम यहाँ क्या करेंगे कि ये मलेशिया रिंजिट जो जो है क्लोज करेंसी पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्लोज करेंसी पे क्लिक कर देंगे। ये क्लोज मलेशिया रिंजिट, ये क्लोज करेंसी पे दोबारा क्लिक करना है। ये डन हो गया। ओके, डन पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट जो है बिल्कुल तैयार है। इस पे हम आसानी से पैसे हासिल भी कर सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।